Good afternoon to all of you. Today we will continue our previous chapter, chapter number 2, exercise number 2.4. So open your textbook, page number 35, exercise 2.4. Question number 1 is find the common factor of 10 and 25. कॉमन फैक्टर मीन्स होता है हमें दोनों में से एक कॉमन फैक्टर निकालना है, मीन्स सेम फैक्टर्स निकालना है. फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर मीन्स 10 किस किस की टेबल में आता है. हम टेबल लिखेंगे 10 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है एंड 10 की टेबल में आता है. फैक्टर ऑफ 25 किस किस की टेबल में आता है, 1 5 एंड 25. कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं दोनों में सेम आ रहा है 1 एंड 5. द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 25 आर 1 एंड 5. मीन्स जो सेम फैक्टर हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 एंड 5, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हुए 10 एंड 25 के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 एंड 15. हम 20 की फैक्टर्स निकालेंगे. 20 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है और किस किस टेबल में आता है. 1, 2, 5, 10, 20. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है एंड 20 की टेबल में आता है. ऐसे ही हम फैक्टर ऑफ 15 किस किस की टेबल में आता है और किस किस टेबल से वह डिवाइड हो सकता है. फैक्टर ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15. हमें यहाँ पे सेम फैक्टर दिख रहा है 1 एंड 5. दोनों ही फैक्टरों में 1 एंड 5 आ रहा है. इट्स मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 15 आर 1 एंड 5. अदर क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ. यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन में 10 एंड 25. इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 4, 8 एंड 12. इसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं. फैक्टर ऑफ 4 की टेबल, 4 की टेबल किस किस टेबल से डिवाइड होगा, 4, 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 8 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 4, 8. फैक्टर ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 5 की टेबल में 12 नहीं आता, तो यहाँ हम सीधा 6 की टेबल में आता है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 6 देन 12. अब हम कॉमन देख रहे हैं, तीनों ही नंबर्स में कॉमन आ रहा है 1, 2 एंड 4. द कॉमन फैक्टर आर 1, 2, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 12 एंड 25. फैक्टर ऑफ 5, 1 एंड 5 की टेबल में 5 आता है और 1 और 5 से 5 डिवाइड हो सकता है. फैक्टर ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 25, 1, 5, 25. किसी भी टेबल का 1 फैक्टर हमेशा रहता ही है. यहाँ पे हमें सिर्फ 1 ही दिख रहा है जो कॉमन फैक्टर है. द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 12 एंड 25 इज 1. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज योर होमवर्क. सॉल्व इन योर रफ कॉपी. क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर आर को प्राइम नंबर्स. कौन सा पेयर को प्राइम नंबर होगा. हमने प्रीवियस क्लास में को प्राइम नंबर पढ़े थे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 35. पहले हम फैक्टर लिखेंगे 18 और 35 किस किस की टेबल में आते हैं. फैक्टर ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. फैक्टर ऑफ 35, 1, 5, 7 एंड 35. जो हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो सिर्फ है 1. कॉमन फैक्टर इज 1. सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर. सिर्फ 1 ही सेम फैक्टर हो वह को प्राइम नंबर कहलाएगा. अगर एक से अधिक मीन्स 1 से ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर निकलते हैं, इट मीन्स दैट इज प्राइम नंबर. नेक्स्ट अदर क्वेश्चन इज योर
होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें नेक्स्ट 3 सेम कॉमन, अभी हम 1-1 कॉमन नंबर निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट इज 4 एंड 5। मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, मीन्स हम इसकी टेबल लिखेंगे। 4 1 या 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। हमें यहाँ पे 3 निकालने हैं तो हम आगे भी टेबल्स के राइट करेंगे। फोर्टी फोर, 48, 52, 56 एंड 60। यहाँ भी हम राइट करेंगे 55 एंड 60। हमें 3-3 मल्टीपल सेम निकालने हैं। यहाँ हमें सेम मिल रहा है 20, 40 एंड 60। तो हमारे द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 आर 20, 40 एंड 60। हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे तो हम टेबल्स को आगे भी राइट करना पड़ेगा। यहाँ तक 60 तक किया, सो 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 20, 40 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 एंड 8। 6 एंड 8 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, 3 सेम मल्टीपल्स। 6 की टेबल लिखेंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। अब हम 6 10 तक के आगे भी राइट करेंगे। 66 हम ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 60 में प्लस 6 किए, हमारे आए 66। 66 प्लस 6 72, 72 प्लस 6 78। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 की टेबल हम यहाँ राइट करेंगे। 8 16 24 32 40 48 56 64 72 एंड 80। अब यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है 24 24, देन 48 48 एंड लास्ट वन है 72। हमारे 3 सेम मल्टीपल्स हुए 24 48 एंड 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 एंड 5 के हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं अप टू 100, लेस देन 100। यहाँ हम मल्टीपल्स लिखेंगे, हम प्लस 3 ऐड करके भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ टेबल भी हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 30 plus 3 33 33 plus 3 36, ऐसे ही ऐड करके आपको राइट करना है। लेस देन 100, 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 एंड 99। ऐसे ही आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करने हैं, लेस देन 100। अब हम सेम देखेंगे, 15 सेम आ रहा है यहाँ पे, 30 30 सेम है दोनों में। नेक्स्ट 45 45, 60 60, 75 75 एंड लास्ट 90 एंड 90। कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 5 में 15 30 45 60 75 एंड 90। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5, पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रीवियस क्लास में भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किए थे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज 80,
फोर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने यहाँ पे राइट किया 84 एंड हम लाइन ड्रॉ करेंगे. आपने प्रीवियस क्लास में भी किए हैं. अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. ये प्रीवियस वीडियो में भी आपने लर्न किया. हम 2 से डिवाइड करेंगे 84 को. आप रफली डिवाइड भी कर सकते हैं. यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, माइनस किया 0, 4 को डाउन साइड लिया, 2 2 ज़ा 4. हमारा 42 टाइम में 84 आ रहा है. तो हमने यहाँ नीचे राइट करेंगे जितने टाइम में आता है और यहाँ हम राइट करेंगे डिवाइजर. हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. अब नेक्स्ट है 21. 21 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे. 3 की टेबल में 21 7 टाइम में आता है तो हम डाउन साइड राइट करेंगे, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 होगा 2 × 2 × 3 × 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147. 140 यहाँ लास्ट जो डिजिट है वंस की प्लेस की 7 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 3 से ट्राई करेंगे. थ्री फोर ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट किया 4 − 2 2, 7 को डाउन साइड लिया, यहाँ हुए 27. 3 9 ज़ा 27, मीन्स 49 टाइम यहाँ पे हमें रहा. 147 3 की टेबल से डिवाइड हुआ, डाउन साइड हम राइट करेंगे 49. 49 2 की टेबल से नहीं हो सकता, 3 की टेबल से नहीं हो सकता, डिवाइड ये आता है सीधे 7 की टेबल में. हाउ मच टाइम? 7 टाइम. 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 147 इज 3 × 7 × 7. इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है 147, यही हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000. हम 10,000 को डिवाइड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0, यहाँ हुआ 5,000. फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वंस की डिजिट 0 है. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0. अभी भी हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वंस की प्लेस 0 है तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, यहाँ हमने कैरी दिया, 2 5 ज़ा 10, 0. फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. इसको आप रफली डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अभी यह 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. द प्राइम फैक्टर इज 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5. क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर. ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम कहलाता है ना तो कंपोजिट होता है? दैट इज 1 इज योर आंसर. 1 ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है एंड ना ही कंपोजिट नंबर होता है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 120, अरेंज द फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर. इसका भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 120 का, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. प्राइम फैक्टर ऑफ 120, लास्ट डिजिट 0 है मतलब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 6 ज़ा 12 एंड 0 की हमने 0 राइट की. 2 3 ज़ा 6 एंड हेयर 0. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. 15 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 3 की टेबल में 5 टाइम में आता है 15, यहाँ पे हमने 5 राइट किया, 3 5 ज़ा
15 एंड 5 बन जा 5. अब हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. डिटरमाइन इफ 54,63,940 इज डिविजिबल बाय 11. हमें बताना है कि क्या यह नंबर 11 से और 11 से डिवाइड होगा या नहीं. हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2. इसको आप डिवाइडेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा नीचे जो राइट है. नेक्स्ट लास्ट में वन डिजिट है मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकेगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9 जा 27, 3 1 जा 3. यहाँ पे हमने 19 लिया मतलब यहाँ पे हम राइट करेंगे. इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे आप सभी. 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 21. अब हम नेक्स्ट 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 7 जा 77. तो हमने यह डिवाइड किया तो 82,787 टाइम गया. मीन्स ये डिटरमाइन हुआ कि ये 11 की टेबल से डिवाइड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस 1729 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. इसका हमें प्राइम फैक्टर पहले सॉल्व करना है देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्राइम फैक्टर और उन प्राइम फैक्टर में कितना डिफरेंस आ रहा है और उनमें क्या रिलेशन है उसको राइट करना है. 1729 फर्स्ट ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा. 7 टू जा 14, 7 फोर जा 28, 7 7 जा 49. इसको आप डिवाइड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. अब हम 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे 247 को. 13 वन जा 13, 13 7 जा 81, 13 9 जा 117. अब हमारा 13 की टेबल में ये 19 टाइम गया. सो अब 19 वन जा 19. हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे. 6 6 का डिफरेंस आ रहा है. 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6. तो द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 7 इंटू 13 इंटू 19 एंड द रिलेशन बिटवीन एंड द डिफरेंस इज 6.